And a very warm good morning to all my dear students. How are you all? I hope all of you are in good health. Today I am making online videos for class 3 subject science. Chapter name is safety lecture 3. So first aid आज हम पढ़ेंगे जो कि इस chapter का last topic है. First aid. Whenever anybody is hurt, help is needed immediately. This immediate help is called first aid. अगर कोई बंदा अगर उसे अगर नुकसान पहुंचती है तो हमें उसकी मदद तुरंत करनी चाहिए. इस तुरंत मदद करने को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बोलते हैं. वैन एवर यू गेट हर्ट ऑलवेज वॉश द वाउंड फर्स्ट. कभी भी अगर आपको चोट पहुंचती है तो सबसे पहले आप अपने जख्म को साफ कर लें. देन अप्लाई मेडिसिन. उसके बाद हम उस पर दवा लगाते हैं. बर्न्स आर वेरी पेनफुल. जो अगर कभी कोई जल जाता है या फिर हाथ जल जाते हैं या फिर छोटा मोटा आग से जो भी नुकसान होता है या गर्म तेल से जो भी जलने वाली जो भी जख्म होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं, काफ़ी दर्द वाले होते हैं. सबसे इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ठंडे पानी में यानी कि पोर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्स. हमें अपने हाथ ठंडे पानी में रखने चाहिए या अगर फेस वगैरह पर से ठंडा पानी के छींटे मारने चाहिए. दिस हेल्प्स टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन. इसकी वजह से क्या होगा? जो जलन हो रही है हमें वो कम हो जाएगी. ठंडे पानी की वजह से टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा और हमें आराम मिलेगा. देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक बर्न ऑइंटमेंट ओवर इट. उसके बाद हम जो भी मलहम है जलन कम करने वाली या जो भी दवा है उसके बाद हम उस पर लगाएंगे. डू नॉट क्राउड अराउंड एन इंजर्ड पर्सन. हमें कभी भी शोर नहीं मचाने चाहिए अपने आसपास. अगर कोई पर्सन अगर जख्मी हो गया है तो उसके आसपास हमें हल्ला नहीं करना चाहिए. मेक द इंजर्ड पर्सन शीट और लाई डाउन. हमें जो भी जख्मी लोग पर्सन है उसको क्या करना चाहिए? तो बैठा देना चाहिए या फिर उसे लिटा देना चाहिए. ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एंड हैंड. हमें हमेशा अपने आस पास या हमेशा अपने पास में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए. ए फर्स्ट एड बॉक्स कॉन्टेन थिंग्स विच आर नीडेड टू ट्रीट अ पर्सन विथ माइनर इंजरीज और इलनेस. एक फर्स्ट एड बॉक्स में होता क्या है? जिसमें हम छोटी मोटी अपनी ज़रूरतों का सामान रखते हैं अगर हमें चोट लग जाए या फिर अगर हम बीमार हैं तो. ए फर्स्ट एड बॉक्स नॉर्मली कॉन्टेंस उसमें आखिर होता क्या है? तो एडहेसिव बैंडेज बैंड एड यानी कि एक बैंडेज होता है. ठीक है. एब्जॉर्बेंट कॉटन एक ऐसा रुई जिसके ऊपर महीन कपड़ा लगा होता है जिससे अगर कभी खून वगैरह या फिर चोट उट लग गया बह रहा है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, वो कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है. स्टरलाइज गाउस पैड्स. गाउस पैड्स क्या होता है बच्चों? एक बहुत ही काफ़ी महीन पतला कपड़ा होता है, जालीदार कपड़ा होता है जिसके अंदर कॉटन्स होते हैं. ठीक है, इस तरह का बैंडेज वो मतलब इस्तेमाल आप रख सकते हैं अपने फर्स्ट एड बॉक्स में. एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए. ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए. बर्न रिलीफ ऑइंटमेंट्स यानी कि जलन कम करने वाली मरहम होनी चाहिए. ए पेयर ऑफ स्मॉल सीजर एक छोटी सी कैची होनी चाहिए. ए थर्मोमीटर एक थर्मामीटर जो फीवर चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो होना चाहिए. ए स्मॉल टॉर्च एक छोटी सी टॉर्च होनी चाहिए. ए स्मॉल सोप और एक साबुन होना चाहिए. ए पेयर ऑफ ट्वीजर्स. ट्वीजर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? चिमटा होता है. मान लीजिए चोट लगने के दौरान कांच हल गया या फिर कांटे हल गए या फिर कुछ हल ही जाता है तो वो ट्वीजर के द्वारा हम उसको हम निकाल सकते हैं. इमरजेंसी फ़ोन नंबर डॉक्टर एम्बुलेंस एंड हॉस्पिटल. और फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें फ़ोन नंबर रखना चाहिए जैसे कि डॉक्टर का, एम्बुलेंस का, हॉस्पिटल का और या फिर अपने नियर नेवर्स का या फिर अपने किसी खास मेंबर का जो कि तुरंत उस जगह पे अगर डॉक्टर्स एम्बुलेंस या फिर हॉस्पिटल में थोड़ा सा भी देरी हो तो आप उसको कॉल कर सकते हो अगर आप अकेले हो तो. तो ये था फर्स्ट एड. फर्स्ट एड बॉक्स देखिए किस तरह दिख रहा है. इस तरह का हमें बॉक्स रखना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह फर्स्ट एड दिया जा रहा है इंजर्ड पर्सन को. और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह बैंडेजिंग किया जा रहा है इंजर्ड पर्सन को जैसे कि पैर में मोच वगैरह आ गया. तो इस हिसाब से ये हो गया फर्स्ट एड जो हम डॉक्टर के नहीं रहने पे खुद
कर सकते हैं, और ज़्यादा परेशानी होने पे फिर तो डॉक्टर अवेलेबल है ही हमारे पास। तो ये था बच्चों सेफ्टी चैप्टर का लास्ट टॉपिक फर्स्ट एड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। आप जानते हो इंजर्ड एंड इल पीपल आर टेकन टू द हॉस्पिटल एंड एम्बुलेंस। जो भी जख्मी लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उनको हम हॉस्पिटल किससे ले जाते हैं? एम्बुलेंस से ले जाते हैं। एन एम्बुलेंस हैज़ अरेंजमेंट्स टू कैरी देम इन अ कम्फर्टेबल पोजिशन। इट ऑल्सो हैज़ मेडिकल इक्विपमेंट टू हेल्प द पेशेंट। एम्बुलेंस में होता क्या है कि इसमें कुछ ऐसे तरीके से अरेंजमेंट्स किए रहते हैं जिससे पेशेंट को कम्फर्टेबल पोजिशन में रखा जाता है, और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो पेशेंट को के लिए लाभदायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक्सीडेंट हैपन ऑल ऑफ सडन। एक्सीडेंट हमारे साथ कहीं भी कभी भी हो सकता है। सो बी केयरफुल एट ऑल टाइम्स। हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। यू मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, इन द क्लासरूम, ऑन द प्लेग्राउंड एंड ऑन द रोड। हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को अपने घर पे भी फॉलो करना चाहिए, क्लासरूम में भी फॉलो करना चाहिए, खेल के मैदान में भी फॉलो करना चाहिए, और सड़क पे भी करना चाहिए। व्हेन एवर एनीबॉडी इज हर्ट, ही शी शुड बी गिवन फर्स्ट एड इमीडिएटली बिफोर मेडिकल हेल्प कैन बी गिवन। अगर कभी कोई किसी को चोट पहुंचती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको सबसे पहले फर्स्ट एड हमें तुरंत देना चाहिए, मेडिकल हेल्प से पहुंचने से पहले हमें अपना फर्स्ट एड इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि अभी हमने पढ़ा। सेफ्टी क्या होता है बच्चों? कीपिंग अवे फ्रॉम हार्मफुल सिचुएशन, रिस्क और डेंजर। सेफ्टी वो होता है जिससे हमें दूर रहना चाहिए हार्मफुल सिचुएशन से, रिस्क से और डेंजर से, जहाँ हमें नुकसान पहुँच सके, उसी को क्या बोलते हैं हम? सेफ्टी बोलते हैं। हमें सुरक्षित रहना चाहिए। अप्लायंसेस क्या होता है? ए मशीन और पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, स्पेशली एन इलेक्ट्रिकल वन दैट इज़ यूज इन आवर हाउस। ए वो मशीन, एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा यंत्र जो बिजली से चलता हो, जैसे कि हमारे घर में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि ग्राइंडर, मिक्सर, टोस्टर, आयरन वगैरह जिस टाइप। पेडेस्ट्रियन, ए पर्सन हु यूजेस द रोड फॉर वॉकिंग। पेडेस्ट्रियन किसको बोलते हैं? वो बंदा जो इस्तेमाल करता है रोड पे चलने के दौरान। फर्स्ट एड क्या होता है? इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड वो होता है जो हम तुरंत देते हैं जख्मी, तुरंत मदद करते हैं जख्मी पर्सन को, जख्मी जिनको नुकसान पहुंचा हो, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? द बॉक्स दैट कंटेन थिंग्स नीडेड टू गिव इन फर्स्ट एड। इस बॉक्स में क्या होता है? इस बॉक्स में होता है ज़रूरत का सामान जो हम फर्स्ट एड के तौर पे देते हैं, जो इंजर्ड या फिर जिसको हर्ट पहुंचा है उसको हम तुरंत इमीडिएट हेल्प करते हैं इसी फर्स्ट एड बॉक्स के द्वारा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। सो चिल्ड्रेन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।